आईपीएल 2022 के एडिशन का दूसरा और तीसरा मुकाबला आज मुंबई दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी पंजाब की टीमों के बीच खेला गया था। इन मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब की जीत के बाद अब आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में यहां पर बड़े बदलाव बड़े उलटफेर हुए। मैं इस वीडियो में आपको आज के मुकाबलों के बाद आज की तारीख की आपको आईपीएल की पॉइंट्स टेबल बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आईपीएल की पॉइंट्स टेबल बन चुकी है। आपको बताऊंगा आज जो गुजरात और लखनऊ का मुकाबला होगा, इस मुकाबले का भी आखिर क्या पॉइंट्स टेबल पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आज के मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब की जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ। इसके साथ ही अब यहां पर जो गुजरात का और लखनऊ का हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, इस मुकाबले कहां आखिर पॉइंट्स टेबल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 के स्थान की, तो आज यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के हाथों मिली हार के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर आ चुकी है। एक मैच में बिना किसी जीत और एक हार के साथ 0 पॉइंट्स के साथ ये टीम नंबर 10 पर है। कुल मिलाकर इस आईपीएल एडिशन की इस टीम की काफी खराब शुरुआत रही है। इस टीम को अब यहां पर अपकमिंग मुकाबलों में यहां पर कमबैक करना होगा, जबकि नंबर 9 पर यहां पर चेन्नई की टीम है। चेन्नई ने भी कोलकाता के हाथों मिली हार के बाद एक मैच में बिना किसी जीत के बिना किसी पॉइंट के ये टीम नंबर 9 पर है। कुल मिलाकर पिछले दो सालों की यहां पर चैंपियन टीम इस साल पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 नंबर 10 पर बनी है। बात करते हैं नंबर 8 के स्थान की, तो नंबर 8 पर आरसीबी। आरसीबी ने भी अब तक आज के मुकाबले में हार के बाद एक मैच में एक हार के साथ बिना किसी पॉइंट्स के साथ ये टीम नंबर 8 पर है। अब इन तीनों टीमों को अपकमिंग मुकाबलों में जीतकर यहां पर कमबैक करना होगा, क्योंकि इस साल 10 टीमें होने के कारण यहां पर टीमें अगर शुरुआती मुकाबले नहीं जीतेगी तो टीमों के लिए प्लेऑफ्स में जाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 के स्थान की, तो नंबर 7 पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जहां पर गुजरात ने अब तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला है। 0 पॉइंट के साथ इस टीम ने कोई मुकाबला नहीं खेला, लेकिन आज इस टीम का लखनऊ के खिलाफ काफी इंपोर्टेंट मुकाबला है। आज अगर ये टीम लखनऊ को हरा देती है तो ये टीम यहां पर अपने पहले आईपीएल मुकाबले में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर जा सकती है। शुरू में इस टीम को काफी अच्छी बढ़त मिल सकती है, तो कुल मिलाकर आज इस टीम का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होगा। आप कमेंट करके बताइए आज के मुकाबले में आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतेगी। अब बात करते हैं नंबर 6 नंबर 5 के स्थान की, तो नंबर 6 नंबर 5 पर राजस्थान हैदराबाद की टीम है। दोनों ही टीमों ने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला, लेकिन परसों इन दोनों टीमों का हमें काफी इंटरेस्टिंग एक मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करते हैं नंबर 4 के स्थान की, तो नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। लखनऊ ने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला, लेकिन लखनऊ का आज जो गुजरात के खिलाफ मुकाबला है काफी इंपोर्टेंट मुकाबला है। आज के मुकाबले में हमें दोनों नई टीमों में से एक विनर टीम देखने को मिलेगी, जो कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 के स्थान की, तो नंबर 3 पर कोलकाता की टीम है। कोलकाता ने एक मैच में एक जीत के साथ 2 पॉइंट प्राप्त कर रखे और इस आईपीएल एडिशन की इस टीम ने चेन्नई को हराकर धमाकेदार शुरुआत करी है। कुल मिलाकर केकेआर की अब तक आईपीएल में काफी अच्छी स्टार्ट रही, जबकि अब बात करते हैं नंबर 2 के स्थान की, तो नंबर 2 पर पंजाब की टीम है। पंजाब ने भी एक मैच में एक जीत के साथ अब 2 पॉइंट प्राप्त कर लिया। आज आरसीबी को यहां पर इस टीम ने धमाकेदार तरीके से हरा कर अब काफी अच्छी शुरुआत करी है, तो पंजाब की इस आईपीएल एडिशन की अब अच्छी शुरुआत हुई। शुरू में इस टीम ने 2 पॉइंट प्राप्त कर लिए, जबकि नंबर 1 पर यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दिल्ली कैपिटल्स ने आज मुंबई को यहां पर काफी रोमांचक मुकाबले में हरा कर अब एक मैच में एक जीत के साथ 2 पॉइंट प्राप्त कर लिए। तो यहां पर इन तीनों टीमों ने यानी दिल्ली कैपिटल्स पंजाब और कोलकाता ने शुरू में ही यहां पर थोड़ी थोड़ी बढ़त बना ली। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी चार टीमें इस साल प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करें। अपनी फेवरेट टीम का नाम आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।